इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एलएनजेपी के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सुरेश कुमार, उनसे बात करते हैं। सर, अभी हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री यहाँ आए, उन्होंने जायजा लिया सभी फैसिलिटीज का। क्या कुछ बातचीत आपकी उनसे हुई इस वक्त कोरोना को लेकर? ये बहुत ही हाई लेवल मीटिंग था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारा हमसे डाटाज के बारे में जानकारी ली, कितने पेशेंट एडमिट हैं, कितने बेड खाली हैं, कितने आईसीयू बेड हैं, गर्भवती जो महिलाएं जो कोविड पॉजिटिव हैं उनके लिए क्या व्यवस्था है, न्यूनेटल नर्सरीज का, वैक्सीनेशन का, और बाकी सारा जो कैजुअल्टी में पेशेंट आता है उसमें ट्रायज को लेके और आईसीयू में जो व्यवस्था है, उन सब का माननीय मुख्यमंत्री जी ने जायजा लिया। सर, ये कहा गया कि 130 पेशेंट ऐसे हैं जिनको एक्सीडेंटली कोरोना डिटेक्ट हुआ है, तो क्या कुछ समझा जाए कि कोरोना उन लोगों को नहीं था, वो किसी और बीमारी के लिए यहाँ आए थे, उसके बाद कोरोना निकला? इसका मतलब जो कोरोना है उसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी कम है, माइल्ड है? हमारा क्योंकि टर्शियरी केयर टीचिंग हॉस्पिटल है, लार्जेस्ट हॉस्पिटल है, और इसमें सभी छोटे अस्पतालों से रेफर किए हुए पेशेंट आते हैं, तो छोटे अस्पताल से वो पेशेंट जैसे किसी का फ्रैक्चर हो गया या किसी का हार्ट का बीमारी है या किसी का लीवर ख़राब है या किसी को डायलिसिस की आवश्यकता है, तो इस तरह के पेशेंट हैं और जिनमें कोरोना सेकेंडरी इन्फेक्शन है, प्राइमरी डिजीज तो दूसरा है, तो उनमें एसोसिएटेड इलनेस है, कोमोर्बिड कंडीशन है और कोरोना का संक्रमण बाद में हुआ है, इस तरह के पेशेंट हमारे पास ज़्यादा संख्या में एडमिट हैं, ये इसका अर्थ है। कई सारे लोग बात कर रहे हैं, जानकार मानते हैं कि पीक जो है कोविड का वो आने वाला है, क्या कुछ कहना इस पर आप? देखिए, पीक के बारे में तो कहना मुश्किल होता है, काफ़ी सारे मैथमेटिकल मॉडल हैं, पर हमने पहली वेव और सेकंड वेव में देखा कि ज़्यादातर जो मैथमेटिकल मॉडल हैं वो सटीक नहीं निकले हैं, पर निश्चित रूप से क्योंकि ये जो वेरियंट है ये डेल्टा से कम घातक है, तेज़ी से ज़रूर फैल रहा है, पर इसके लक्षण हल्के हैं और इसके साथ साथ उन लोगों में ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है जिनको कि लंबी बीमारियां हैं। निश्चित रूप से ये एक राहत की बात है कि ये रिकवरी जल्दी हो रही है इन पेशेंट्स में जो ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं और कॉम्प्लिकेशन कम है। एलएनजेपी पूरी तरह से तैयार है? निश्चित रूप से एलएनजेपी ने 21,000 से ज़्यादा पेशेंट ठीक करके फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव में और करंट वेव में भेजे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मैं सैल्यूट करता हूँ पूरी टीम को, लोकनायक की, को जो दिन रात राष्ट्र की सेवा में, देश की सेवा में लगे हुए हैं। हमसे बात करने के लिए, तो आपने सुना कि किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब एलएनजेपी पहुंचे तो उन्होंने यहां के मेडिकल डायरेक्टर से एक हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें उन्होंने सभी तरह का आंकड़ा जो है मेडिकल डायरेक्टर से पूछा कि कितने पेशेंट्स यहां एडमिट हैं, कितनी तैयारी यहां पर है, सभी तैयारियों का उन्होंने जायजा भी खुद यहां पर लिया। उनके साथ यहां पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद रहे। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ बधिया एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।